का जो नेक्स्ट चैप्टर है आपको बता रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना के बारे में हम पढ़ा रहे हैं बच्चों। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो ब्रूबरी नियम्स क्या होता है, और नेक्स्ट आपको कई टॉपिक बता दिया है। तो बच्चों आज टॉपिक को हमने जो लेके चल रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको बच्चों आप लोग इसको याद करिएगा, समझिएगा, ये एग्ज़ाम के दृष्टि से, कंपटीशन के दृष्टि से बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों इस टॉपिक का नाम बच्चों है आपके सामने देखिए पॉली का अपवर्जन नियम बच्चों, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों पॉली जिक्सरिजन प्रिंसिपल कहते हैं बच्चों। और जो दूसरा टॉपिक है हुंड के अधिकतम बाहुलता का नियम्स, हुंड्स रोल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और बच्चों जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको कह लीजिए वो भी सभी में इम्पॉर्टेंट है, ऑफ बाव का नियम, ऑफ बाव प्रिंसिपल। बच्चों इसको एक नाम से और जानते हैं, कह सकते हैं एन प्लस एल का नियम। तो बच्चों ये जो तीनों नियम हैं ये बच्चों आप कह सकते हैं कि ये तत्वों के परमाणुओं के कक्षकों में जो जो बच्चों इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, इलेक्ट्रॉन जो भरता है, जो उसको बच्चों लेकर ये तीनों नियम बच्चों उसी पर आधारित है बच्चों। मतलब इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन पर ये तत्व मेन भूमिका बच्चों निकालते हैं। तो जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बच्चों ये तीनों नियम पर आधारित होते हैं। कौन से नियम है? पॉली जिक्सरिजन प्रिंसिपल, हुंड का अधिकतम बाहुलता का नियम, हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और लास्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑफ बाव का नियम, ऑफ बाव प्रिंसिपल। बच्चों ये तीनों नियम हमने बताया तत्वों के इलेक्ट्रॉनों के वितरण या तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की नियम की बच्चों व्याख्या करते हैं। मतलब इन्हीं तीनों सिद्धांतों पर बच्चों ये तीनों नियम समझ लीजिए डिपेंड करते हैं। अब बच्चों हम एक एक करके तीनों नियम का हम आपके सामने जो है उसका उसके बारे में विधिवत बताएंगे। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, तो पहला जो नियम है आपको बताने जा रहे हैं बच्चों, उस नियम का नाम है पाउलीज का अपवर्जन नियम, इसे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बच्चों कहते हैं। ये बच्चों पाउलीज या एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है क्या, इसको आपको बताते हैं। देखिए बच्चों ये पाउली एक साइंटिस्ट थे। पाउली ने बच्चों जो स्पेक्ट्रम विज्ञान के आधार पर तत्वों के आधार पर तत्वों को तत्वों में जो कोष होते हैं, जैसे मान लीजिए वो बच्चों क्वांटम संख्याओं पर आधारित होता है। आप कह सकते हैं कि जैसे क्वांटम संख्या क्या होती हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघंसी क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, इन्हीं क्वांटम संख्याओं पर लेकर बच्चों इन्होंने नियम दिया है। और इस नियम पर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो है कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाता है, यह पॉली अपवर्जन नियम। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके कॉन्फ़िगरेशन पर ये पॉलीज का जो नियम कुछ प्रतिबंध लगाता है उसी पर आधारित पॉली ने नियम दिया, जिसे कहते हैं पॉलीज अपवर्जन नियम। बच्चों क्या कहते हैं बच्चों? पॉली का अपवर्जन नियम कहा जाता है। बच्चों पॉली का अपवर्जन नियम क्या है? देखिए यह एक ही तत्व की या किसी एक ही परमाणु में क्या कह ले किसी नियम क्या बच्चों किसी एक ही परमाणु में किसी एक ही परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता है। बच्चों
ये आपका पॉलीज का पॉली का वर्जन नियम हो गया, आपके सामने हमने लिख दिया। किसी एक ही परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, किसी एक ही परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान, चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता। यही बच्चों पाउली का अपवर्जन नियम है। बच्चों आप लोग जानते हैं चारों क्वांटम संख्याएं क्या क्या हैं, मैंने बताया था क्वांटम संख्याओं के माध्यम से। आप लोग पिछले वीडियो में जाके क्लिक करके mrd.ic.in पर क्लिक करके उसको क्वांटम संख्याओं के बारे में आप बच्चों पढ़ सकते हैं। तो मैंने बच्चों क्या बताया था चारों क्वांटम संख्या क्या होती हैं, तो जैसे चारों क्वांटम संख्या बच्चे मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, औद्योगिक क्वांटम संख्या को l से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से, और जो चौथी या लास्ट क्वांटम संख्या होती है बच्चों चक्रण क्वांटम संख्या होती है। बच्चों ये क्वांटम संख्याएं जो होती हैं ये इसकी सहायता से बच्चों हमने बताया ये चारों क्वांटम संख्याएं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बच्चों n l m मतलब प्राइमरी क्वांटम संख्या, प्राथमिक क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, या आप कह सकते हैं कि जो है द्विगंशी क्वांटम संख्या, मतलब किसी भी परमाणु में अगर n l m इलेक्ट्रॉनों के लिए इसका मान अगर बच्चों एक समान हो जाए, लेकिन बच्चों जो चौथी क्वांटम संख्या जिसको बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या बच्चों यस का मान सर्वथा भिन्न होगा। ये बच्चों क्या कहता है पॉलीज अपवर्जन नियम, यही कहलाता है। किसी एक ही परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए यदि n l m का मान समान हो जाए तो यस का मान सर्वथा भिन्न होगा। कह सकते हैं एक ही परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान बच्चों एक समान कभी नहीं हो सकता। यदि दो क्वांटम संख्याएं या तीन क्वांटम संख्याएं जैसे n बराबर एक है, l बराबर एक कुछ भी आ सकता है अगर मान लीजिए n l m समान हो जाए, लेकिन यस का मान हमेशा बच्चों भिन्न होगा। आई बात समझे, तो यही बच्चों पाउलीज का अपवर्जन नियम है। आई बात समझ में, तो जैसे बच्चों हमने बताया n का मान एक, l का मान n बराबर एक, l बराबर जीरो होता है, m बराबर जीरो होता है। जैसे मान लीजिए n बराबर बच्चों अगर मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर एक है तो इसका l का मान क्या होगा बच्चों जीरो, m का मान बच्चों जीरो। इसमें आप जो देख रहे हैं दो मान क्या हैं समान हो जा रहे हैं, लेकिन यस का मान बच्चों क्या होगा प्लस माइनस वन पॉइंट टू होगा। आई बात समझ में, मतलब अगर चारों क्वांटम संख्याएं हमने कहा का मान समान नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आप देख रहे हैं यन का मान अगर बाय द वे एक अगर जीरो आ भी जाता है लेकिन यस का मान बच्चों कभी नहीं जीरो आएगा, इसका हमेशा एक दक्षिणावर्त और क्या होता है एक वामावर्त दिशा में होता है। तो आप कह सकते हैं कि एक ही परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान बच्चों कभी नहीं हो सकता। यही बच्चों पाउली का अपवर्जन नियम है। बच्चों याद आ गया, ध्यान में आ गया होगा आपको, एक बार और रिवर्स लिख दीजिए, ब्लैक बोर्ड में लिखा हूँ मैं। पाउली का अपवर्जन नियम क्या होता है, किसी एक ही परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता है बच्चों। यही बच्चों क्या है पाउली का अपवर्जन नियम है बच्चों। आई बात, यदि किसी परमाणु में कक्षकों में यदि मान लीजिए बच्चों n l मतलब प्राइमरी क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान n l m का मान समान हो जाए, लेकिन बच्चों जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है स्पिन क्वांटम नंबर होता है इसका मान हमेशा और सर्वथा भिन्न होगा, क्योंकि यस प्लस माइनस वन पॉइंट टू, यस का एक मान दक्षिणावर्त और दूसरा वाला वामावर्त दिशा में होता है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइन में होते हैं। जैसे मान लीजिए कक्षक, मान लीजिए बच्चों यही आपके सामने एक कक्षक है, यह मान लीजिए पी कक्षक ऑर्बिटल हो गया बच्चों। तो देखिएगा
जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह प्लस हाफ और एक वाला माइनस हाफ, दूसरा प्लस हाफ या माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन होती है यह क्या होती है, अपोजिट होती है, मतलब प्लस 1.2 माइनस 1.2, इस तरह इसका मान हमेशा बच्चों क्या होगा, भिन्न होगा। अब बच्चों परिभाषा आपको मालूम हो गया है। अब बच्चों पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब पाउली का पर जिन नियम का बच्चों कुछ इसमें आपको निष्कर्ष है। निष्कर्ष क्या है बच्चों, मतलब क्या इसमें निकलता है, क्या इसका मेन एम है, क्या कहना चाहता है। तो पहला निष्कर्ष बच्चों इसमें क्या होता है, किसी कोश में, किसी भी कोश में, पहला निष्कर्ष क्या है, किसी कोश में, किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या बच्चों कितनी होती है, 2n² होती है। पहला निष्कर्ष क्या है, किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की बच्चों अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n बराबर आप कह सकते हैं n का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट हो सकता है। बच्चों देखिए दूसरा निष्कर्ष क्या बताता है, कि अगर ये बच्चों यदि n बराबर 1 हो जाएगा तो 2n बराबर 1, यदि n बराबर 1 बच्चों होगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 1² बच्चों 2 आ गया, मतलब k कोश में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चों, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इसे कहते हैं यह कोश को, इसमें यह सुपकोश बच्चों होता है, यह सुपकोश में, यह कक्षक में, यह सुपकक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों हो जाएगा, 2, और n बराबर 2 हो जाए बच्चों, यदि n बराबर 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 2 × 2² यानी बच्चों 8, तो क्या हो जाएगा, k यह बच्चों l कोस हो जाएगा। इसमें बच्चों कितने उपकोष होते हैं, 2, s और p उपकोष होते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिला दो तो टोटल बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों यदि n बराबर 3, बच्चों यदि n बराबर 3 आ जाए तो क्या होगा, 2 × 3² आ जाएगा 18 बच्चों। यह दिखाता है यम कोश को बच्चों, किसको दिखाता है, यम कोश को दिखाता है, यह यम कोश, इसमें बच्चों क्या कितने उपकोश होंगे, 3 उपकोश, यस पी और डी बच्चों। यस में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 2, पी में कितना आता है, 6, डी में बच्चों आता है 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस प्रकार बच्चों कह सकते हो कि यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में आपका 14 इलेक्ट्रॉन बच्चों भरता है, मतलब यस उपकोश में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, पी उपकोश में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन, डी उपकोश में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन और यह उपकोश में ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। आई बात समझ में, यह निष्कर्ष नंबर 2 था। अब बच्चों पाउली का जो तीसरा मेन निष्कर्ष है, मतलब क्या बताना चाहता है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नियम, तो तीसरा जो मेन निष्कर्ष है कि बच्चों जो यस का मान कितना होता है, चक्रण क्वांटम संख्या का मान कितना हो सकता है, तो यस का मैक्सिमम मान बच्चों कितना होगा, 2 मान होगा, 2 मान होगा। ये 2 मान कौन कौन होंगे बच्चों, यस बराबर प्लस 1/2 और माइनस 1/2,
तीसरा निष्कर्ष यही निकलता है चक्र क्वांटम संख्याओं का मान कितना होगा, दो मान, ये दो मान बच्चों प्लस वन पॉइंट टू और ये माइनस वन पॉइंट टू। तो बच्चों हमने आपको पाउलीज अपवर्जन नियम के बारे में बताया, तो बच्चों पाउलीज अपवर्जन नियम जो है हमने बताया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को लेकर है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित समझ लीजिए है। तो इलेक्ट्रॉन को जब वितरण होता है उपकोषों में उसको यह बताता है उसके बारे में। तो बच्चों हमने पाउलीज सिग्नेचर प्रिंसिपल मतलब पाउली का अपवर्जन नियम बताया, अब आपको हम बताने जा रहे हैं दूसरा जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है जिसे बोलते हैं हुंड्स का अधिकतम बाहुलता का नियम। बच्चों हुंड्स का लिखिएगा हुंड्स, हुंड का अधिकतम अधिकतम बाहुलता का नियम, बाहुलता का नियम, हुंड्स का अधिकतम, हुंड्स हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लिसिटी हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। बच्चों हुंड्स का रूल, हुंड्स के अधिकतम बाहुलता का नियम यह क्या होता है, हमने बताया हुंड्स का अधिकतम बाहुलता का नियम, हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। बच्चों यह भी बहुत इम्पोर्टेंट नियम बच्चों है, यह है किसी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को लेके, इलेक्ट्रॉन को भरने के लेकर एक नियम सन 1925 ईस्वी में हुंड्स साहब ने दिया था, जिसे हुंड्स का नियम बच्चों कहा जाता है। आई बात समझ में, तो हुंड्स का इसे आप कह सकते हैं हुंड्स का अधिकतम बाहुलता का नियम भी बात कहा जाता है। बच्चों यह है हुंड्स का नियम है क्या, इसको देखिए बच्चों किसी उपकोष, उपकोष क्या बच्चों, यस उपकोष, पी उपकोष, जी उपकोष, ये सब उपकोष कहलाते हैं बच्चों। यस उपकोष में दो इलेक्ट्रॉन, पी में छः इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम बच्चों आते हैं। तो बच्चों जो उपकोषों में इलेक्ट्रॉन का जो भरने का क्रम होता है, आई बात समझ में, उसी को लेकर हुंड का नियम है आधारित है। तो आप कह सकते हैं किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में, क्या है इसकी परिभाषा, किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक उस उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। आप कह सकते हैं परिभाषा क्या, किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में, परिभाषा देखिए बच्चों हुंड्स रूल का नियम का, किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में, विभिन्न कक्षकों में किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं, तब तक युग्मित नहीं होते हैं, युग्मित नहीं या युग्मन नहीं होता है, होता है जब तक प्रत्येक कक्षक में या उपकोष में, प्रत्येक कक्षक में एक एक
इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता है। आई बात समझ में? किसी कोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होता जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता है। बच्चों, हुंस का रूल नियम क्या कहता है कि किसी उपकोष, मतलब यस कक्षक या यस उपकोष, पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण या युग्मन तब तक नहीं हो सकता है जब तक प्रत्येक उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। बच्चों, और बच्चों साथ ही अर्धपूर्ण भरे हुए कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की स्पिन सदृश होती है। मतलब जो कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का जो भरने का क्रम होता है समदिश, मतलब एक डायरेक्शन। मतलब बच्चों, जैसे बच्चों आपको एक एग्जांपल आपके सामने बता दे रहा हूँ, जैसे देखिए बच्चों, परिभाषा समझ में आया आपको मैंने बताया? जैसे मतलब बच्चों बात देख लीजिए, आपके सामने यही आपका ऑक्सीजन परमाणु है। ऑक्सीजन परमाणु को लेके आप देखिए, ऑक्सीजन का डायन विन्यास क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, मतलब कि 1s2, 2s2, 2p4। अब 2p4 है बच्चों, अब 2p4 यही है, इसको क्या देखेंगे बच्चों, 2p4 p कक्षक के लिए देखते हैं हम बच्चों। तो p कक्षों का जो यही है इसमें अधिकतम कितना 6 होता है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, p कोष में 4 हैं। तो बच्चों यही देखता है कि प्रत्येक कक्षक में किसी कोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मित, मतलब दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होते हैं जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। और ये इलेक्ट्रॉन अर्धपूर्ण भरे हुए इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है, स्पिन होता है, यह समदिश, मतलब एक वन डायरेक्शन होता है। जब यह कक्षक पूर्णतः तीनों कक्षक भर जाएंगे तब जाके नेक्स्ट कक्षक भरेगा, मतलब यह चौथा जो इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में आएगा। आई बात समझ में? मतलब पहले बच्चों यह भरेगा एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा यह इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, यही बच्चों क्या कहता है, यह हुंस रूल कहता है किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मित या इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन न हो। और क्या कहता, अर्धपूर्ण भरे हुए कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है, दिशा होता है, वन डायरेक्शन होता है, मतलब समदिश होता है, जैसे आपके सामने है। तो ऑक्सीजन परमाणु के लिए पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन का वितरण पी में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने कहा यही है, यही हुंस का रूल है, एक एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है और युग्मन तभी होगा जब तक ये तीनों कक्षक भर न जाए, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन न पहुँच जाए और जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चों इस उपकोष में होगा। आई बात समझ में? इसी प्रकार बच्चों आपके सामने यह नाइट्रोजन परमाणु है। हुंस के रूल के अनुसार नाइट्रोजन परमाणु के लिए बच्चों नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, डायविन्यास 1s2, 2s2, 2p3। मतलब बच्चों यह पीक उपकोष में पहुंच रहा है। आई बात समझ में? अब पी उपकोष में पहुंच रहा है, पी उपकोष की जो आकृति होती है हमने बताया बताऊँ डबल डबल होता है। अब इसका जो कक्षक होता है आपके सामने बता दिया, यह होता है 3, इसको बोलते हैं बताओ PX, इसको PY, PZ। आई बात समझ में? अब पी में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, यही बच्चों हुंस रूल है। हुंस रूल इसी पर आधारित, हमने पहले बता दिया कि किसी कोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होता है जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता है। और यह अर्धपूर्ण कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन होती है,
चक्कड़ होती है बच्चों, यह समदिश होती है। यही बच्चों है हुंस का रूल। हुंस को रूल को हमने आपके सामने बताया और समझाया बच्चों, आई बात समझ में। एक एग्जांपल और बच्चों देख लीजिए, जैसे मान लीजिए दस नियान, जैसे बच्चों ये नियान है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, मतलब 1s2, 2s2, 2p6। किस कुछ पहुंच रहा बच्चों? पीयू कोष में। पीयू कोष में कितना एटॉम बच्चों हैं? 6। तो पी की ये देखिए कक्षक बना दे रहे हैं। पीयू कोष में कितना देते आता है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, तो हुंस के रूल सा एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया, अभी 3 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, यह भरेगा, तो इस तरह इसका यह कक्षक भर जाएगा। यही हुंस रूल बच्चों कहता है। क्या कहता है हुंस रूल? किसी कोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि इस कोष के प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए और इसमें अर्धपूर्ण भरे हुए कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है बच्चों, समदिश होती है, वन डायरेक्शन होती है बच्चों। यह हुंस रूल आपके सामने हमने बताया, पढ़ाया हुंस रूल क्या होता है और इसके एग्जाम्पल को हमने दिखाया। अब बच्चों हमें आशा है आप लोग बच्चों समझ में आ गया होगा बच्चों। बच्चों हमारे इतने परिश्रम करने के साथ अगर आप लोग परिश्रम नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो हमारा पढ़ाना लिखाना सब कुछ व्यर्थ होगा। बच्चों आपका भी कर्तव्य बनता है कि जो है आप भी वीडियो को देखें, पढ़ें, समझें और नोट्स बनाएं, एग्जाम्पल को हल करें और उसको आप लोग उसका कमेंट भेजें और उस कमेंट का हम आपको उसका आंसर अवश्य देंगे बच्चों। और बच्चों जो मेन हमारा तीसरा पॉइंट्स रूल, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल, जिसे अफवाह का रूल कहते हैं बच्चों, इसको हम बताने जा रहे हैं। देखिए बच्चों तीसरा है अफवाह का नियम। क्या बच्चों हैं? अफवाह का नियम बच्चों, AUFBAU प्रिंसिपल बच्चों, अफवाह प्रिंसिपल। यह भी बच्चों क्या हमने पहले ही बता दिया था कि यह जो नियम होते हैं, यह तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उसी नियम पर ये सब नियम आधारित है बच्चों। तो अफवाह नियम भी उसी पर आधारित है। इलेक्ट्रॉनिक के भरने के क्रम को बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में पहले जाएगा, किस में बाद में जाएगा, किस ऊर्जा स्तर में पहले होता है, कि निम्न ऊर्जा स्तर में पहले भरा जाएगा, कि उच्च ऊर्जा स्तर में पहले भरा जाएगा बच्चों। तो यह अफवाह नियम इलेक्ट्रॉनों के भरने क्रम को बच्चों दर्शाता है या प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉनिक किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाए, इस नियम की सहायता से हम चाहे वह तत्व परमाणु क्रमांक 1 हो, चाहे कितना भी परमाणु क्रमांक ज़्यादा हो, अगर बच्चों यह नियम हमें मालूम है तो हम किसी भी तत्व का, चाहे उसका परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, तो इस नियम की सहायता से उस तत्व का हम बच्चों आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, अगर यह नियम बच्चों याद रहेगा तो। तो बच्चों आइए इस नियम के बारे हम आप लोग को समझाते हैं। आप लोग बच्चों अधिकतम समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। बच्चों अफवाह का नियम क्या है बच्चों? बच्चों अफवाह जो होता है, कोई वैज्ञानिक नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है। आप लोग यह मत समझ लेना कि अफवाह किसी वैज्ञानिक का नाम है, किसी साइंटिस्ट का नाम बच्चों। यह बच्चों अफवाह एक जर्मन लैंग्वेज है, जर्मन शब्द है, जर्मन भाषा है, जिसका अर्थ होता है टू कंस्ट्रक्शन, मतलब निर्माण करना। आई बात समझ में? अफवाह एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना, मतलब किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों का जो रचना हो रहा, जो निर्माण हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो रहा है, उसी पर आधारित है। आई बात समझ में मतलब बच्चों?
आबाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना। आई बात समझ में बच्चों? आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ये किसी साइंटिस्ट का नाम मत कर दीजिएगा कि ये आबाऊ एक वैज्ञानिक थे, एक रासायनिक थे या साइंटिस्ट थे। आई बात समझ में बच्चों? आबाऊ नियम को एक नियम से और जाना जाता है। उस नियम का क्या नाम बच्चों? इसे आप कह सकते हैं एन प्लस एल का नियम भी कहते हैं। क्या बच्चों? इसे एन प्लस एल नियम भी कह सकते हैं, एन प्लस एल नियम। एक बच्चों क्या होता है, किसी उपकोष में कोई जो नया इलेक्ट्रॉन होता है उस उपकोष में पहले भरा जाता है बच्चों, जिसमें एन प्लस एल का मान सबसे कम होता है। और यदि बच्चों एन प्लस एल का मान दोनों मतलब एस पी डी अगर दोनों के लिए समान हो जाए तो नया इलेक्ट्रॉन बच्चों उस उपकोष में पहले भरेगा जिसमें इस एन का मान सबसे कम होता है, उसी में जो है भरा जाता है इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। इसलिए बच्चों इसे एन प्लस एल भी नियम कहते हैं, आबाऊ का नियम भी कहते हैं। आई बात समझ बच्चों? अब ये नियम क्या है देखिए बच्चों, आबाऊ हमने बताया कि आबाऊ का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों रचना करना या निर्माण करना, तो आबाऊ एक जर्मन लैंग्वेज है। एक परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जो समावेशन होता है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित करने के लिए आबाऊ ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे बच्चों आबाऊ का नियम कहते हैं। आई बात समझ में? आबाऊ का नियम क्या है बच्चों? आपके सामने परमाणुओं के उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा वेग, परमाणुओं के उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करता है। परमाणुओं के उपकोष में इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करता है। आप कह सकते हैं आबाऊ का नियम क्या है बच्चों? परमाणुओं के उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करता है बच्चों, यही आबाऊ का नियम होता है। इसे बच्चों क्या कहते हैं? आबाऊ का नियम कहते हैं। इसको आप एक प्रकार से और समझते हैं कि परमाणुओं के उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में बढ़ते हुए क्रम में एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है, क्या बच्चों? पहुंचता है। यही बच्चों आबाऊ का नियम है। क्या नियम है? कि परमाणुओं के उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करता है, या कह सकते हैं किसी परमाणु के उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन भरता है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ बढ़ते हुए एनर्जी लेवल के साथ इलेक्ट्रॉन कक्षक में भरता है, इसे बच्चों आबाऊ का नियम करते हैं। बच्चों यही आबाऊ का नियम है, ध्यान दीजिए। ब्लैक बोर्ड पर हमने परिभाषा बताया है, लिखाया है, एक बार और देख लीजिए। परमाणुओं के उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करता है, इसे बच्चों कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे आबाऊ का नियम कहते हैं। जैसे मतलब क्या हुआ बच्चों? जैसे मतलब यह नियम क्या है कि पहले यह उपकोष पहले भरेगा, मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा? दो। इसके बाद पी उपकोष भरेगा, इसके बाद पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर डी में 10 इलेक्ट्रॉन, फिर
फिर इसके बाद एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब एस की एनर्जी लेवल इससे कम होती है, इसकी इससे कम होती है, इससे इससे कम होती है, मतलब पहले एस उसको भरेगा, फिर यह भरेगा, फिर यह भरेगा, फिर यह भरेगा। यही बच्चों आप बाव का नियम है, आप लोग समझ जाइए क्या है। परमाणुओं के उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के क्रम में प्रवेश करता है, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करता है। बच्चों ये आपके सामने इसकी परिभाषा बताया, और हमने बताया बच्चों ये किस्मा इसमें जो है एक फिगर में बता दे रहा हूँ, बना दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के वितरण के क्रम को लेकर। आप बाव का जो वितरण नियम है उस फिगर को आप लोग अगर याद करेंगे तो आप आसानी से जो है किसी भी तत्व का जटनी विन्यास आसानी से कर सकते हैं। जैसे बाली बच्चों ये आपका हो गया यस, और एक ये दूसरा बच्चों, और थोड़ा ऊपर जाइए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। बच्चों इस तरह नहीं आ रहा, आप इस तरह भी कर सकते हैं, छोटा छोटा बड़ा जितना आवाज आए, एक दो तीन चार बच्चों इस तरह हम बता दे रहे हैं, इसको कच्छक बना दे रहे हैं। बच्चों इसको बना लीजिए 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d और 4f, फिर इसके बाद 5s, फिर के 5s, 5p, 5d, 5f, फिर इसके बाद 6s, 6p, इसी तरह बढ़ते बढ़ता जाएगा, लास्ट में बच्चों बचेगा 7s। तो जो बच्चों एनर्जी कैसे भरेगा, इस तरह बच्चों ऐसे ऐसे आएगा इलेक्ट्रॉन, पहले 1s2 में, फिर 1s2, 2s2 में, 1s2, फिर बच्चों क्या आ जाएगा 1s2, 2s2, फिर क्या बच्चों इसमें आएगा 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, इसमें आ जाएगा बच्चों, इसमें फिर क्या बच्चों आ जाएगा, फिर बच्चों इसमें भरेगा, फिर बच्चों इसमें भर जाएगा, फिर बच्चों इसमें भरेगा, फिर बच्चों बच्चों इस तरह इलेक्ट्रॉनों का वितरण हो जाएगा। यह आप बाव का रचना फिगर है, अगर यह बच्चों आपको याद रहेगा तो आप आसानी से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाव के नियम से कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, फिर 6s, फिर इसके बाद डाल बटको, इस तरह आप दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम बच्चों। इसी तरह 1s2s2p, 1s2s2p, 3s3p, 4s 3d, 4p 5s, 4d 6, 6p 6s, इस तरह बच्चों
आप लोग अब आ जाएगा 4F, 4F, 5D, 5C, 5P, 7S, इस तरह बच्चों डॉट डॉट ऐसे करके आप इलेक्ट्रॉनों का वितरण आसानी से बच्चों कह सकते हैं। अगर यह चित्र आपको याद है तो आसानी से आप बाव नियम की सहायता से भी किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों आसानी के से कर सकते हैं। बच्चों यह नियम आप लोग विधिवत याद कर लीजिए, इसका फिगर याद कर लीजिए। अब बच्चों आपके हम सामने हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखा रहे हैं। जैसे देख लीजिए बच्चों, बहुत छोटा सा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपसे कोई पूछ दे आप बाव के नियम से करिए, आप बाव के नियम की सहायता से करिए, तो बच्चों क्या देखिएगा इस फिगर 1s2 पहुँचाइए, 2s2 फिर क्या पहुँचे बच्चों 2p4। तो देखिए 1s2, 2s2, 2p4 यही बच्चों भर गया। तो इस तरह यह हो गया किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीजन का। तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 4, 4, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर बच्चों कोई नियान का कहे तब क्या कैसे करोगे, उसी तरह 1s2, 2s2, 2p6, मतलब बच्चों p में कितना इलेक्ट्रॉन था, 6। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन बच्चों जाएगा किस कौन जाएगा, 6 में आ गया। तो हमको नियान करना, नियान का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 10 होता है। तो इस तरह इसका हमने कर दिया अभाव के नियम अनुसार। अगर आपसे बच्चों कोई के एल्यूमिनियम का करिए या सोडियम का करिए तब क्या करोगे बच्चों, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। क्या हो गया बच्चों, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये बच्चों इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों आप आसानी से भी किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। और ऊपर जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों आप सोडियम का करिए, पोटेशियम का, पोटेशियम का क्या हो जाएगा इस फिगर से, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितना बच्चों हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब 3s2 फिर 3p6, मतलब कितना 19 है, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 3p6 तो 4s1 बच्चों, 4s1। तो इस तरह बच्चों पोटेशियम का हो गया। इस तरह बच्चों आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं अभाव के नियमानुसार बच्चों। आई बात बच्चों समझ में, बच्चों हमने आपको बताया कि इसे N+L नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, N+L नियम भी कहते हैं अभाव नियम को, N+L नियम कहते हैं। क्या बच्चों कहते हैं, N+L का नियम बच्चों, N+L नियम क्या है इसको आप समझिए बच्चों। देखिए अभाव का नियम या उपकोष में इलेक्ट्रॉन का वितरण मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है, मुख्य क्वांटम संख्या और अधिकांशी क्वांटम संख्या, दोनों को अगर जोड़ देंगे बच्चों जिसका मान सबसे कम रहेगा, जिस कक्षक का, जिस उपकोष का मान कम रहेगा उसमें बच्चों, यानी N+ का L का मान जिसमें सबसे कम रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन, नया इलेक्ट्रॉन उसी उपकोष में बच्चों प्रवेश करेगा। आई बात समझो बच्चों, अगर मान लीजिए कोई भी नया इलेक्ट्रॉन, अगर दोनों उपकोषों का मान, दोनों उपकोष का मान बच्चों मान लीजिए N+L दोनों का मान समान है, मान लीजिए 3s 3d या किसी का भी मान समान दोनों का आ जा रहा है, तो बच्चों नया इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश करेगा जिसमें N का मान सबसे कम होता है, N का मान बच्चों सबसे कम होता है, सबसे कम होगा। क्या होता है बच्चों, मान लीजिए कोई दो उपकोष हैं जिसमें N+L का मान मान लीजिए 5-5 आ गया, तो उस कंडीशन में नया इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहुंचेगा जिसमें मुख्य क्वांटम संख्या N का मान सबसे कम हो गया। जैसे मान लीजिए बच्चों आपके सामने
एक एग्जांपल हमने मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मान देख लीजिए बच्चों, यही है जो n प्लस l वैल्यू होती है, मान लीजिए 4s के लिए, 4s के लिए, 4s के लिए बच्चों n बराबर 4 और रियल बराबर होता है 0। 4s इस उपकोष के लिए मुख्य क्वांटम संख्या 4 हो गई और दुकंसी क्वांटम संख्या का मान कितना हो गया बच्चों 0। तो n प्लस l मतलब 4 प्लस 0 बराबर 4। 4s का जो n प्लस l, 4s के लिए n प्लस l का मान बच्चों कितना आया है 4। और बच्चों 3d के लिए, 3d के लिए बच्चों, अब जब बच्चों आप 3d के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे n बराबर बच्चों दिखाई दे रहा कितना है 3, n बराबर 3 है और बच्चों l बराबर द्विगंसी क्वांटम संख्या का मान 2 हो जाएगा। अब जब इसमें n प्लस l जोड़ेंगे तो n प्लस l मतलब बच्चों n प्लस l का मान, यानी बच्चों 3 प्लस 2 बराबर 5। इसमें n प्लस l का मान बच्चों 5 आया है और इसमें n प्लस l बच्चों कितना आ गया है 4। अब आ रहे हैं देखिए बच्चों, 4s उपकोष के लिए n प्लस l का मान बच्चों आया है 4 और 3d उपकोष के लिए बच्चों n प्लस l का मान आया है 5। अब बात हमने बताया n प्लस l का नियम यही बताता है कि n प्लस l का मान जिसका सबसे कम हो, यानी 4s के लिए n प्लस l का मान सबसे कम यानी 4 है और 3d के लिए n प्लस l का मान यानी 5 है, तो दोनों में कंपेरिजन करिए। 4s के लिए n प्लस l का मान सबसे कम है तो इलेक्ट्रॉन बच्चों किस में प्रवेश करेगा, 4s में पहले प्रवेश करेगा तब जाके d में प्रवेश करेगा। यही बच्चों n प्लस l का नियम है। आई बात बस बच्चों समझ में? इसी आधार पर बच्चों यदि मान लीजिए आपके सामने 3d और 4p दिया गया है, 3d के लिए नेक्स्ट एग्जांपल, 3d के लिए n बराबर बच्चों कितना है 3, n बराबर 3 है और l बराबर कितना बचा है बच्चों, l बराबर 2 है, तो n प्लस l क्या हो जाएगा बच्चों, तो n प्लस l यानी 3 प्लस 2 बराबर 5 आ गया। और बच्चों 4p के लिए, 4p के लिए, 4p के लिए बच्चों n बराबर कितना बच्चों 4 और p बराबर कितना, l बराबर कितना गया बच्चों 1। अब दोनों जोड़िए बच्चों तो n प्लस l बच्चों आ जाएगा 4 प्लस 1 बराबर 5। अब बच्चों इस कंडीशन में आप देखिए 3d के लिए n का मान 3, l बराबर 2 है, 2 तो n प्लस l का मान कितना आ गया बच्चों जोड़ दीजिए आ गया 3 2 5। तो 3d के लिए n प्लस l का मान कितना आया बच्चों 5 और 4p के लिए n प्लस का l का मान बच्चों आया 5। दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं 3d के लिए और 4p के लिए n प्लस l का मान कितना आ रहा बच्चों, आ रहा है 5 5। तो हमने बचाया n प्लस नियम क्या कहता है कि कोई भी नया इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहुंचता है जिसमें n प्लस l का मान सबसे कम है। इसमें आप देख रहे हैं दोनों बराबर हैं, 3d के लिए 4p के लिए दोनों का मान बच्चों 5 5 आ रहा है। तो अब हम क्या इसमें देखेंगे, इसमें वह जो नया इलेक्ट्रॉन है उस उपकोष में बच्चों पहुंचेगा जिस उपकोष में n का मान यानी बच्चों मुख्य क्वांटम संख्या का मान सबसे कम होगा। तो इस कंडीशन देखिए बच्चों, n का मान मतलब 3d में n बराबर 3 है, इसमें n का मान सबसे कम है यानी 3 है, तो नया इलेक्ट्रॉन बच्चों 3d में पहुंचेगा।
आई बात समझ में बच्चों? ये एन प्लस एल हो गया। तो इस तरह बच्चों इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ अपवाद हैं, जैसे क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया। तो बच्चों हमने आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में आपको मैंने बच्चों बताया हुंड्स रूल, अफबाऊ का नियम, पाउली सुजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्ड जीन नियम, तीन नियमों के बारे में आपको विद्वत समझाया बच्चों। अब आप लोग इसको समझिएगा।